हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज पेज स्पेशल। हमारे पास एक्सेल की शीट में जो डेटा होता है उसे हम कॉपी करके कहीं भी किसी भी दूसरी शीट में या किसी भी लोकेशन में उसे पेस्ट कर सकते हैं, तो वो जस्ट कॉपी पेस्ट होता है। लेकिन पेज स्पेशल में जो हमारे पास डेटा है उस डेटा में हमारे पास फॉर्मूला है, वैल्यूज है, फॉर्मेट्स हैं, इसमें हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। उस डेटा में हम सिर्फ वही चीज़ कॉपी करके उसे पेस्ट कर सकते हैं पेज स्पेशल में। तो ये किस तरह से काम करता है चलिए देखते हैं। पेस्ट ऑल सेम काम करता है जिस तरह कॉपी पेस्ट की तरह। नेक्स्ट है हमारे पास पेस्ट फॉर्मूलाज। तो जो डेटा में फॉर्मूले हमने यूज़ किए हैं उसको कॉपी कर लेता है। यहाँ पर मेरे पास एक सैलरी लिस्ट है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है और उनका DA है, HR 10-10% है, सेम यहाँ पर डिपार्टमेंट एंटर हो रखे हैं। तो ये भी सेम, DA भी 10% है, HR भी 10% है। सेम मुझे यहाँ पर जो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय है, सैलरी इनकी अलग है, नेम एम्प्लॉय अलग है, सैलरी अलग है, तो यहाँ पर जो DA है वो भी 10% है, HR भी 10% है। तो इसे मैं कॉपी कर रही हूँ, इसे मैंने कॉपी किया। जो मेरे दूसरा टेबल है उसमें जाके मैंने उसे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और पेस्ट स्पेशल में हम आएंगे। यहाँ पर हमारे पास जो दूसरे ऑप्शन है फॉर्मूलाज, इसे हम क्लिक करेंगे और ओके। ओके करते ही यहाँ पर ये 10% आ चुका है, 18,400 का 10%, 1840। इसे मैं डबल क्लिक कर रही हूँ तो M4 मल्टीप्लाई 10%। हमने यही सेम फॉर्मूला यहाँ DA के लिए यूज़ किया था, M4 जो मेरी सेल है, M4 मल्टीप्लाई 10%, और यहाँ पर F4 जो सैलरी है मल्टीप्लाई 10%। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है पेस्ट वैल्यूज़। तो पेस्ट वैल्यूज़ में जैसे यहाँ पर जो मेरे पास नंबर है इस नंबर में फॉर्मूला लगा हुआ है, अगर इसे मैं कॉपी करूँ और कॉपी करके मैं इसे कहीं पर भी पेस्ट करती हूँ तो पेस्ट करने पर ये 0 आ रहा है। अगर मुझे सेम 2500, 60, 90 यही कॉपी कराना है तो उसके लिए मुझे इसे कॉपी करना होगा और जहाँ पर भी पेस्ट करना है हम पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। पेस्ट स्पेशल में जाके हम वैल्यूज़ और उसे ओके कर देंगे। तो इस तरह से ये अब यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पर 2500, 690 ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा टेबल है, दूसरे टेबल में यहाँ पर एम्प्लॉय नेम है, अगर इस पे मैं कोई फॉर्मूला यूज़ करती हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर रही हूँ और यहाँ पर जो मेरे एम्प्लॉय हैं उस जो नेम है वो पूरे अपर केस में आए। मैंने इसे क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर बटन प्रेस किया और इसे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करते ही यहाँ पर अपर केस जो मेरा टेक्स्ट है, जो यहाँ पर एम्प्लॉय थे उन जितने एम्प्लॉय थे सबका जो नेम है वो कैपिटल, ऑल कैपिटल लेटर में अपर केस में आ चुका है। अब मुझे ये डिलीट करने हैं और इसे यहाँ पर शिफ्ट करना है। तो अगर मैं इसे नॉर्मली डिलीट करूँ तो पूरा ही मेरा डेटा जो नेक्स्ट कॉलम में मैंने अपर केस यूज़ किया था वो भी डिलीट हो जाएगा। तो मैं इसे जिस पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है उसे हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके उसके ऊपर राइट क्लिक करके पेज स्पेशल में जाएंगे और इसे वैल्यूज़ कर देंगे। तो वैल्यूज़ करते ही जो यहाँ पर फॉर्मूला है वो फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा और अब क्लिक करने पर यहाँ पर फॉर्मूला बार में कोई फॉर्मूला शो नहीं हो रहा है। और इसे मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूँगी, इसे मैं डिलीट कर रही हूँ और डिलीट करते ही यहाँ पर जो हमारे पास एम्प्लॉय नेम है वो यहाँ पर आ चुका है। इस सेल को मैं जो सैलरी वाला सेल है हमारा ये, इसे मैं राइट क्लिक कर रही हूँ और राइट क्लिक करके हमारे पास यहाँ पर इसे हमने डिलीट करना है इस सेल को, तो हम फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे लेफ्ट, इसे ओके किया तो सैलरी यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स के लिए हम इस टेक्स्ट को ले लेते हैं। इसमें जो मैंने फॉर्मेट्स अप्लाई किया है इस जो टेक्स्ट है एलजीरियन फॉन्ट में है, 24 इसका फॉन्ट साइज है, ये बोल्ड है और इसमें जो साइड में इसके डबल बॉर्डर यूज़ हो रखी है और यहाँ पर हल्का जो मैंने थीम कलर दिया है वो पर्पल कलर का है। इसे मैं कॉपी कर रही हूँ, कॉपी करके अगर इसे कहीं पर भी अप्लाई करना है तो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके हम पेज स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट्स के ऑप्शन है, फॉर्मेट पे मैंने क्लिक किया ओके। तो ओके प्रेस करते ही यहाँ पर जो नंबर एड सब्ट्रैक्ट मैंने यहाँ पर टाइप किया था पहले हेडिंग, अब वो सेम फॉर्मेट्स अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है कमेंट। अब जैसे यहाँ पर जो सैलरी है, सैलरी में यहाँ पर कमेंट में मैंने शो किया है कि मंथली सैलरी, कि ये हमारे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को जो हम यहाँ पर सैलरी पे कर रहे हैं मंथली है। और इस कमेंट्स को अगर मुझे जितने एम्प्लॉय है उस कॉलम में अप्लाई करना है तो उसके लिए मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लूँगी और जहाँ पर भी इसे पेस्ट करना है सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हम पेज स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पर कमेंट्स, कमेंट्स का ऑप्शन हमने चूज़ की है और ओके। ओके करते ही यहाँ पर जितने एम्प्लॉय है उनकी जो सैलरी वाली सेल है उस सेल में मंथली सैलरी शो हो रहा है कमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है पेस्ट वैलिडेशन।
तो वैलिडेशन के लिए जो हम वैलिडेशन के अंदर जो भी वैलिडेट करते हैं, जैसे कि इस डेटा में मेरे पास यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट के लिए एक ड्रॉप डाउन बटन क्रिएट किया है। यहाँ पर मैनेजमेंट सेल्स और एंट्री जो डिपार्टमेंट है के लिए मैंने लिस्ट क्रिएट की है। अगर मैं क्योंकि वैलिडेशन के अंदर जो हमारी लिस्ट क्रिएट होती है वैलिडेशन ऑप्शन के अंदर होती है, तो मैं इसे कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करके मैं इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसे मैंने राइट क्लिक किया और पेस्ट स्पेशल में हम गए। पेस्ट स्पेशल में हम जाके वैलिडेशन और ओके ओके करते ही मैं पहले से बॉर्डर दे देती हूँ। ओके करते ही यहाँ पर ये पेस्ट तो हो गया, लेकिन जो हमारा डेटा था उसमें सिर्फ जो हमने वैलिडेशन यूज़ किया था मैनेजमेंट सेल्स डिपार्टमेंट जो हमारे डिपार्टमेंट थे वो डिपार्टमेंट यहाँ पर शो हो रहे हैं। नेक्स्ट है पेस्ट ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये मैथ के जो फंक्शन है किससे यहाँ पर काम करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो डेटा है इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि यहाँ पर जो चेंजेस हो हमें पता चलता रहे। तो उसके लिए मैं इसे यहाँ से रिमूव कर रही हूँ और इसे मैंने कॉपी पेस्ट किया। कीबोर्ड से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी मैंने पेस्ट किया है। तो अब जो ये सीरीज है ये और ये बिल्कुल सेम है। अब मैं इसे कॉपी कर रही हूँ। मैंने इसे कॉपी और जहाँ पर पेस्ट करना है उसके ऊपर राइट क्लिक किया। पेस्ट स्पेशल में मैं गई हूँ और यहाँ पर हमारे पास ऐड, तो ऐड करते ही ये 100 है। 100 में +10 110 50 20 क्लिक, तो मैंने ओके किया। तो यहाँ पर पहले 100 था, 100 में हमने 10 प्लस हो गए 110। तो ये इस तरह काम कर रहा है। अगर इसे हमने सबट्रैक्ट करना है तो मैं इसे दोबारा कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करके मैं इसके ऊपर ही आपको पेस्ट स्पेशल में जाके सबट्रैक्ट करके बताती हूँ। तो सबट्रैक्ट ओके, तो जैसे हमने सबट्रैक्ट किया तो यहाँ पर जो डिजिट थी 10 था वो माइनस हो गया, ये वापस उसी तरह 100 50 30 और 20 में आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लाई, तो उसके लिए हम कॉपी करेंगे। कॉपी करके जहाँ पर इसे पेस्ट करना है पेस्ट स्पेशल में हम जाएंगे। पेस्ट स्पेशल में जाके यहाँ पर मैं इसे मल्टीप्लाई किया तो ओके, तो ये इस तरह मल्टीप्लाई हो गया। 10 × 10 1000 और यहाँ पर 50 × 20 1000। तो इस तरह ये काम कर रहा है। और दोबारा इसे मैं कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करके हम यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और नेक्स्ट हमारे पास है डिवाइड, तो हम डिवाइड पे क्लिक करेंगे ओके। तो डिवाइड करते ही यहाँ पर जो 1000 था वो डिवाइड करके ये वापस उसी फॉर्मेट में हमारे पास जो नंबर हैं आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेस्ट स्किप ब्लैंक्स। यहाँ पर 10% है और ये 12%। मैंने इसे कॉपी किया और उसके ऊपर हमने इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करके मैं पेस्ट स्पेशल में जा रही हूँ और यहाँ पर हमारे पास स्किप ब्लैंक्स की ऑप्शन है। मैंने इसे क्लिक किया ओके। तो यहाँ पर जो ये परसेंटेज है इस कॉलम की ये सारी यहाँ शिफ्ट हो चुकी है। जो यहाँ पर पहले मेंशन था वो रिमूव हो चुका है। पेस्ट नेक्स्ट हमारे पास है पेस्ट ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का यहाँ पर जो काम है, ट्रांसपोज जो हमारे पास डेटा होता है अगर वो वर्टिकल है तो वर्टिकल को हॉरिजेंटल और हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल डेटा को वर्टिकल में कन्वर्ट करना। अब मैं इसे सिलेक्ट कर रही हूँ। मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया, इसे कॉपी किया और मैं इसे यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। तो मैंने राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में इसे मैं ट्रांसपोज करूँगी। ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके। अब जो ये मेरे पास डेटा आया है ये हॉरिजेंटली हो चुका है। यहाँ पर जो मेरे पास एम्प्लॉय नेम सैलरी डीए 10% एड जो कॉलम में थे, जो मेरे हेडिंग थी वो कॉलम में थी, अब वो रो में आ चुकी है। तो इस तरह से हम पेस्ट स्पेशल का एक्सेल की शीट में यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।